बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में तवांग से 37 किलोमीटर दूर समुद्र तल से लगभग 15,200 फीट ऊपर एक पुराने व्यापारिक मार्ग का हिस्सा था जो तवांग से तिब्बत तक जाता था। आमतौर पर यह मार्ग साल भर बर्फ से ढका रहता है। खास बात यह है कि ये वही रास्ता है जिससे दलाई लामा भारत आए थे जब वो तिब्बत पर चीनी कब्जे से बच गए थे और भारत में उन्होंने शरण ली। इसमें खूबसूरत संगीत सो झील भी है जिसे माधुरी झील भी कहा जाता है। मशहूर फिल्म कोयला का एक गीत भी यहाँ फिल्माया गया था। प्रकृति की खूबसूरती की मिसाल ये जगह 1962 के युद्ध के दौरान अब तक के सबसे भीषण युद्धों में से एक की गवाह भी है। नमस्कार, मेरा नाम अपराजिता सिंह है और आप देख रहे हैं इंडिया सेंटिनल्स। युद्ध के परिणाम चाहे जो भी रहे हों, पर इस युद्ध और इसमें लड़ने और मरने वाले बहादुर हमेशा अमर रहेंगे। भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांग ला के लड़ाई और उस दौरान शैतान सिंह की बहादुरी जग जाहिर है। इसी क्रम में एक और नाम आता है वीर सूबेदार जोगिंदर सिंह का और उनके पराक्रम का, जिन्होंने बुमला दर्रे पर उनके द्वारा कब्जा किए जाने से पहले 50 चीनियों को मार गिराया था। रेजांग ला की तरह बुमला दर्रा आग के नीचे साहस की एक और कहानी थी, जहाँ एक बहुत बड़ी संख्या में सिख रेजिमेंट एक बहुत बड़ी चीनी सेना के खिलाफ अंत तक डटी रही। जोगिंदर सिंह का जन्म 26 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता शेर सिंह सहनान एक किसान थे और उनकी माँ बीवी कृष्ण कौर थी। उनके पिता एक सैनी परिवार से ताल्लुक रखते थे जो उनके पैतृक गाँव मलखालन में स्थानांतरित हो गया था। जोगिंदर सिंह 28 सितंबर 1936 को सेना में शामिल हुए और पहले सिख रेजिमेंट में तैनात हुए। हालांकि जोगिंदर सिंह ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जब वो सेना में शामिल हुए तो उन्होंने बाद में सेना में अध्ययन किया और सेना शिक्षा परीक्षा पास की। जोगिंदर सिंह ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा मोर्चे और 1947 के प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध में शामिल हुए थे। 1954 में भारत ने चीन भारतीय समझौते के अनुसार तिब्बत पर चीन के दावे को मान्यता दी। उस दौरान हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बेहद मशहूर था और चीनियों ने इसी नारे के पीठ पीछे भारत पर हमला किया। 1962 में नॉर्थ ईस्ट और अक्साई चीन पर अपना दावा करते हुए चीनियों ने हमला किया। अगस्त 1962 तक पीएलए यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो कि चीन की सेना है ने सिक्किम में थगला रिज और नमका चू के दक्षिण में ढोला चौकी पर कब्जा कर लिया। हालांकि सरकार ने भारतीय सेना को चीनियों को ढोला से बाहर फेंकने का आदेश दिया, लेकिन ये एक असंभव काम था। भारतीय सेना पीएलए का मुकाबला करने के लिए उस समय पूरी तरीके से तैयार नहीं थी और सबसे बढ़कर चीनी सेना इलाके को अंदर और बाहर से बेहद अच्छे तरीके से जानते थे। चीनियों ने सीमा पर प्रमुख रणनीतिक बिंदुओं पर खुद को तैनात कर लिया था। ये लगभग वही समय था जब CIA ने अपना विनाशकारी बे ऑफ पिग्स ऑपरेशन शुरू किया और पूरी दुनिया का ध्यान क्यूबा पर केंद्रित हो गया, जिससे चीनियों के लिए मैदान खाली हो गया। 23 अक्टूबर तक चीन ने पूरे ढोला थांगला क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। चीन का मुख्य उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश में तवांग पर कब्जा करना था, जो इसे उत्तर पूर्व पर नियंत्रण देता और तवांग के लिए सबसे तेज मार्ग बुमला दर्रा के माध्यम से सीमा से 26 किलोमीटर का ट्रैक था, जो उस समय कुछ मोटर योग्य रास्तों में से एक था। पहली सिख बटालियन को इस जगह की सुरक्षा करने का काम दिया गया था। ये किसी भी तरीके से आसान काम नहीं था। लेफ्टिनेंट हरिपाल कौशिक की कमान वाली डेल्टा कंपनी को बुमला दर्रे की रक्षा करने का काम दिया गया था। आईबी रिज पर तैनात सूबेदार जोगिंदर सिंह की अगुवाई वाली 11वीं प्लाटून को चीनियों को रोकने के लिए रक्षा स्थापित करने का काम दिया गया था। कैप्टन गुरुचरण सिंह गोसाल तोपखाना प्रभारी थे, जबकि 7वीं बंगाल माउंटेन बैटरी सिख रेजिमेंट को कवर कर रही थी। अक्टूबर 20, 1962 को असम राइफल्स के JCO ने हजारों चीनी सैनिकों को आगे बढ़ते हुए देखा और बुमला पर रेजिमेंट को तुरंत अलर्ट कर दिया। जोगिंदर सिंह ने हवलदार सुच्चा सिंह के अधीन एक
सेक्शन को बुमला को मजबूत करने के लिए तुरंत भेजा, जबकि मुख्यालय से दूसरी पंक्ति के गोला बारूद का अनुरोध किया। और इसके बाद 1962 युद्ध की सबसे खतरनाक लड़ाइयों में से एक शुरू हुई, जो 23 अक्टूबर की सुबह तक चली। बुमला पर मोर्टार डालने के बाद बंकरों को नष्ट करने के लिए लगभग 600 चीनी असम राइफल्स पोस्ट पर हमला करने के लिए आ गए। हालांकि सुच्चा सिंह ने आईवी रिज पर वापस जाने से पहले दुश्मन के कई सैनिकों को मारते हुए कड़ा संघर्ष किया। रेजांग ला की तरह बुमला पास में भारतीय पलटन बुरी स्थिति में थी। सिर्फ 4 दिन का राशन बचा था, खराब फिटिंग वाले जंगल के जूते थे, सर्दियों से बचने के कपड़े भी नहीं थे। ऐसी भीषण बाधाओं के बावजूद जोगिंदर सिंह ने पीएलए के खिलाफ अपने आदमियों को तैयार किया। जोगिंदर सिंह के पास संसाधनों की कमी थी, लेकिन इसे उन्होंने अपनी रणनीति से पूरा किया। उन्होंने अपने आदमियों से कहा कि वे अपने गोला बारूद को पकड़ें और तभी फायर करें जब दुश्मन सीमा में हो, इससे बर्बादी से बचा जा सकता है। उन्होंने पलटन को एक खड़ी रज पर भी रखा, जिस पर चढ़ना आसान नहीं था। इसी बीच एक और चीनी यूनिट ने दाहिनी फ्लैंक से हमला किया। इस बार फायरिंग और भी तेज थी। अपनी जांग में मशीन गन की गोली के फटने से घायल होने के बावजूद जोगिंदर सिंह मैदान से हटने से इनकार करते रहे और अपने आदमियों को निर्देश देते रहे। लड़ाई शुरू हुई, अब तक के सबसे खूनी संघर्षों में से एक। भारतीय सैनिकों ने आगे बढ़ रहे चीनियों पर तोपखानों की तोपों से जवाबी फायरिंग की, जिससे वे भारी संख्या में हताहत हुए। हालांकि आधी पलटन चली गई थी, केवल 17 ही बच पाए थे। बड़ी संख्या में चीनी मारे गए थे। जोगिंदर सिंह की यूनिट अब तक नीचे थी। अधिकांश जवान या तो मारे गए या बुरी तरीके से घायल थे। जोगिंदर सिंह खुद लगभग 50 चीनियों को मार चुके थे, लेकिन अब वो थक गए थे। भले ही जोगिंदर सिंह थक चुके थे, लेकिन उन्होंने अभी भी हार नहीं मानी थी। उन्होंने अपने बचे खुचे लोगों के साथ जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल के नारे के साथ चीनियों पर अपने बंदूक के सिरे पर लगे चाकू, जिसे संगीन या बेनेट कहते हैं, से हमला कर दिया। हालांकि ये वीरतापूर्ण प्रतिरोध तब समाप्त हुआ जब जोगिंदर सिंह को घेर लिया गया और चीनियों द्वारा युद्ध बंदी बना लिया गया। बच गए 4 में से 3 लोगों ने जोगिंदर के अदम्य साहस की कहानी सुनाई, जिससे उनके कारनामों का पता चला। बाद में पता चला कि सुबेदार जोगिंदर सिंह की मौत उसी दिन चीनी कैद में हो गई थी। उन्हें उनकी वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। जब चीनियों को पता चला कि जोगिंदर सिंह को परमवीर चक्र दिया गया है, तो उन्होंने 17 मई 1963 को पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनकी राख को वापस कर दिया। उनकी अस्थियां मेरठ में सिख रेजिमेंटल सेंटर ले जाई गई। कलश उनकी विधवा को सौंप दिया गया। उनके लिए मोगा में एक स्मारक बनाया गया है और उनके सम्मान में बुमला दर्रे पर भी एक स्मारक है।